पहले एक मैसेज आता है, उस मैसेज में पृथ्वी शो के लिए बहुत बड़ी बात लिखी हुई होती है। उसके बाद में कॉल आता है, उस कॉल में कहा जाता है कि पृथ्वी शो को टीम में शामिल किया जाए, और उसके बाद में पृथ्वी शो को मौका मिल जाता है। आखिर पृथ्वी शो के इस कॉल और इस मैसेज के पीछे की कहानी क्या है, कौन है वो इंसान जिसके चलते पृथ्वी शो टीम में आए? क्योंकि आपको पता है कि पिछले 1-1.5-2 सालों से पृथ्वी शो को मौका नहीं मिल रहा था, पृथ्वी शो निराश थे। कई बार सोशल मीडिया पर पृथ्वी शो ने इसकी निराशा जाहिर भी की थी, ये बात जाहिर की थी कि वो परेशान है। कई बार पृथ्वी शो ने बेहतर प्रदर्शन करने के बाद सोशल मीडिया पर इस तरीके के कमेंट लिखे थे, इस तरीके की बातें कही थी, जिससे जाहिर होता था कि पृथ्वी शो इस बात से निराश है कि उनको टीम में मौका नहीं मिलता है। लेकिन जैसे ही पृथ्वी शो ने 13 शतक लगाया, जैसे ही पृथ्वी शो ने कमाल की बल्लेबाजी करके दिखाई, एक मैसेज आता है, और उस मैसेज के बाद ये साफ हो गया था, ये तस्वीर साफ हो गई थी कि अब पृथ्वी शो टीम इंडिया में आने वाले हैं। उस मैसेज के बाद ये साफ हो गया था। उसके बाद में मैसेज करने वाले ने सेलेक्टर्स को बोला कि ये खिलाड़ी टीम में जरूर आना चाहिए, और पृथ्वी शो टीम में आपको नजर आ रहे हैं। तो आखिर इस पूरे माजरे की खबर क्या है, और कैसे पृथ्वी शो टीम इंडिया में आ गई, और कैसे बाकी खिलाड़ियों को मौका नहीं मिलता है जो पृथ्वी शो को मिल गया, उसके पीछे की कहानी जानने के लिए आपको थोड़ा सा पीछे चलना पड़ेगा। दरअसल आपको पता होगा कि जब पृथ्वी शो ने 13 शतक लगाया, उसके बाद में पृथ्वी शो की चर्चा हुई, लगातार कहा गया कि भाई पृथ्वी शो लारा के रिकॉर्ड को तोड़ने से टूट गए, ऐसा कारनामा कर दिया जो भारतीय क्रिकेट में जिसको करने के लिए लोग सपना देखते हैं, सचिन, गावस्कर, कोहली, रोहित वो कारनामा नहीं कर पाए जो पृथ्वी शो ने कमाल करके दिखाया। ये तमाम तरीके की बातें उस वक्त की गई थी कि पृथ्वी शो ने कमाल की बल्लेबाजी की, और लगातार पृथ्वी शो इस तरीके की बल्लेबाजी करते हुए आ रहे हैं। उसके बाद में एक ट्वीट आया था। ट्वीट किसका आया था? ट्वीट आया था बीसीसीआई के सचिव जय शाह का। जय शाह ने ट्वीट करते हुए पृथ्वी शो की तारीफ की थी, आपने देखा होगा वो ट्वीट भी। पृथ्वी शो की तारीफ में उन्होंने कहा था कि पृथ्वी शो ने कमाल की बल्लेबाजी की है, और पृथ्वी शो की इस बल्लेबाजी की तारीफ करनी चाहिए जिस तरीके की उन्होंने बल्लेबाजी की। उसके बाद में ये संकेत मिलने लगे थे कि जय शाह का ट्वीट आने का मतलब ये है कि पृथ्वी शो बहुत जल्दी टीम में आएंगे। उसके बाद में जब टीम इंडिया की सिलेक्शन कमेटी बैठी, जब बैठक हुई सेलेक्टर्स की, न्यूजीलैंड के खिलाफ T20 और वनडे सीरीज के लिए जब सेलेक्टर्स की बैठक हुई, उस वक्त जय शाह ने खबरों के मुताबिक सेलेक्टर्स से साफ-साफ कहा कि जो खिलाड़ी डोमेस्टिक क्रिकेट में इतने बेहतर रन बना रहा है, जो खिलाड़ी बेहतर तरीके से खेल खेल रहा है, जो खिलाड़ी रिकॉर्ड बना रहा है, उस खिलाड़ी को टीम में जरूर रखना किसी भी एक फॉर्मेट में। और नतीजा यह हुआ कि T20 सीरीज में पृथ्वी शो को मौका दिया गया है, हार्दिक पांड्या की टीम में पृथ्वी शो को मौका दिया गया है। इसके पीछे की एक लड़ाई भी है, एक लड़ाई है रोहित शर्मा और हार्दिक पांड्या की। दरअसल जिस वक्त ये सिलेक्शन हो रहा था, उस वक्त खबरों के मुताबिक, ऐसी खबरों के मुताबिक ये खबरें आ रही हैं कि उस वक्त रोहित शर्मा और हार्दिक पांड्या दोनों के बीच में कश्मकश थी, दोनों के बीच में लड़ाई है, दोनों अपनी अपनी टीमों को मजबूत बनाने की कोशिश कर रहे हैं, और दोनों अपनी पसंद की टीम को बनाने की कोशिश कर रहे हैं। इसीलिए हार्दिक पांड्या ने अपनी टीम से रविंद्र जडेजा और केएल राहुल को निकालकर बाहर फेंक दिया, और उनकी जगह ऋतुराज गायकवाड़ और पृथ्वी शो को मौका दे दिया, ऐसे खिलाड़ियों को मौका दिया जिन खिलाड़ियों को रोहित शर्मा नजरअंदाज कर रहे थे, जिन खिलाड़ियों को रोहित शर्मा नहीं खिला रहे थे, जिन खिलाड़ियों को रोहित शर्मा की टीम में मौका नहीं मिल रहा था। हार्दिक पांड्या के फुल टाइम कप्तान बनते ही ये दोनों खिलाड़ी टीम इंडिया में आ गए हैं। तो जाहिर तौर पर कई सारे संकेत मिलते हुए नजर आ रहे हैं इस सिलेक्शन से। सिलेक्शन से संकेत साफ है कि हार्दिक पांड्या की टीम नहीं होगी, हार्दिक पांड्या की टीम में बेहतर परफॉर्म करने वाले खिलाड़ी जरूर आपको देखते हुए नजर आएंगे। 2024 की तैयारियों के लिए हार्दिक पांड्या ने अभी से अपनी टीम को बनाना शुरू कर दिया है, यह साफ है। और पृथ्वी शो को मौका क्यों मिला? पृथ्वी शो को मौका मिला उनके बेहतर परफॉर्मेंस की वजह से, जो ट्वीट किया था जय शाह ने। तो आपका इस खबर पर क्या कहना है? क्या आपको लगता है वास्तव में जय शाह के दिल चढ़ गए हैं पृथ्वी शो? और अगर मन चढ़ गए तो जाहिर तौर पर यकीन मानना पृथ्वी शो आने वाले टाइम में आपको लंबे वक्त तक खेलते हुए नजर आएंगे। कमेंट करके जरूर बताइएगा इस खबर पर, आपका इस खबर पर क्या कहना है। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा।